इन्फ्लुएंसर्स अपनी फोटोज वीडियोस रील्स शेयर करते थे एंड उनपे पैसे कमा सकते थे लेकिन अब क्या हो गया है कि एन अब आप ब्लॉकचेन में मिंट एंड सेल कर सकते हैं एंड ये एन एफ ही वीडियोज एंड फोटोज के तौर पे होगा लेकिन इंस्टाग्राम की एनएफटी से क्या और किसको फर्क पड़ेगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर पहला बिल्डिंग अ वॉलेट इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम Getty images बन गए कि हम आप फोटोज ही खरीद सकते हैं They're actually building a wallet, secretly, even though हमें ये शायद दिखे ना। पूरा हो रहा है पॉलीगॉन के ब्लॉक चेन पे और ये जो कलेक्टेबल्स है इन इने collectible कहां जाएगा? ये जो कलेक्टेबल्स है ये अभी आप, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपके स्टोरीज में आपके फीड में अपलोड कर सकते हो एंड योर फॉलोअर्स कैन क्लिक एंड ऑल्सो बाय

NFTs जिंदा रहेंगे एंड दे विल एग्जिस्ट फॉर एन इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज़ इट इज मिंटेड ऑन द ब्लॉकचेन इमीडिएटली ही डिजिटल कलेक्टेबल या NFT अब अवेलेबल है उन सारी मार्केटप्लेसेस पे जो इथेरियम पे चलती है इसका मतलब ये है कि आपने उसको इंस्टाग्राम पे मिंट किया इट इज अवेलेबल फॉर सेल ऑन योर प्रोफाइल इट्स आल्सो अवेलेबल फॉर सेल ऑन द इंस्टाग्राम मार्केटप्लेस और आगे जाके ये ओपन सी और बाकी के जो मार्केटप्लेसेस हैं वहां भी अवेलेबल होंगे तीसरा एनएफटी मार्केटप्लेस इस मूव से इंस्टाग्राम एक कदम क्लोजर होगा टू बिल्डिंग इट्स ओन एनएफटी मार्केटप्लेस जैसे ओपन सी या फाउंडेशन इससे एनएफटी की लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी दैट मींस उनका बाइंग एंड सेलिंग बहुत आसानी से होने वाला है मतलब इट्स पॉसिबल दैट पीपल हु डोंट इवन नो अबाउट यू कैन नाउ फाइंड यू

ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना खासकर उन दोस्तों के साथ जो एन एफ टी फैंस है को भी जरूर करना, मिलते हैं अगली बार क्रिप्टो और एन एफ टी अनियंत्रित है और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है संभव है कि इस प्रकार के लेन देन ऐसी हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो किसी भी सूचना के लिए सपोर्ट एट कॉइन डॉट कॉम पर संपर्क करें